पृथ्वीचरण गोयल जी ने ये जो सौगात दी है जखीरा के लोगों के लिए, ये बहुत ही अच्छी है। मतलब कि मैं तो कहता हूँ हर जगह हर इलाके में होनी चाहिए ऐसी। पहले से तो बहुत दिक्कत होती थी, गरीबों के जुगियों में दिन कट रहा था, लेकिन ये खुलने से मेरे को बहुत खुशी मिली है, बहुत खुशी मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के मोती नगर इलाके जाकिरा में, जहां आम आदमी पार्टी द्वारा एक और नया मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है। मोहल्ला क्लिनिक से लोगों की स्वास्थ्य सेवा को एकदम सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मोहल्ला क्लिनिक में बहुत सारी सेवाएँ हैं जिससे लोगों की जीवन को थोड़ी सुलभता पहुँचाने की कोशिश की गई है। आइए दिखाते हैं क्या क्या सेवाएँ हैं इस क्लिनिक में। कैसी लग रही है आपको ये सरकार की पहल मोहल्ला क्लिनिक? बहुत अच्छी पहल है। प्राइमरी ट्रीटमेंट लोगों को बड़ी आसानी से मिलता है। हॉस्पिटल्स में जाते हैं इतनी लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, यहाँ पे बहुत जल्दी से स्टार्टिंग से जो प्राइमरी ट्रीटमेंट जैसे कफ फीवर छोटा मोटा तो यहाँ से इलाज बहुत जल्दी से होता है। तो बीइंग मोहल्ला क्लिनिक के इसमें कितने डॉक्टर्स की लिमिट रखी गई है और क्या क्या लोगों को सुविधा मिल सकती है इधर? यहाँ पे चार स्टाफ होता है, एक डॉक्टर होता है, एक फार्मासिस्ट, एक मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट होती है, एक एमटीडब्ल्यू होता है वर्कर। तो यहाँ पे यहाँ की सीमाएं क्या है, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम जो मतलब यहाँ से सॉर्ट आउट नहीं हो सकती उसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा? कोई बहुत मतलब मेजर कोई मतलब कार्डियक चीज़ें हैं या कोई हार्ट से रिलेटेड मेजर चीज़ें हैं तो उनके लिए आपको हॉस्पिटल रेफर करते हैं हम लोग। हम यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे किसी को कफ है, फीवर है, जो भी छोटी छोटी डायबिटीज़ की मेडिसिन हैं या बीपी की मेडिसिन हैं या नॉर्मल टेस्ट हैं वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सर, ये जो मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है इसका क्या मोटिव है? इसका मोटिव है कि ये जो शिवचरण गोयल जी ने ये जो सौगात दी है जखीरा के लोगों के लिए, ये बहुत ही अच्छी है। मतलब कि मैं तो कहता हूँ हर जगह हर इलाके में होनी चाहिए ऐसी, जाके लोगों को बड़े हॉस्पिटल में धक्के ना खाने पड़े। और जो सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो जहाँ पर मतलब इतने इतने पैसों की लूट है, ये हमारे जो केजरीवाल जी ने जो किया बहुत अच्छा काम किया ये मोहल्ला क्लिनिक बना के। मैं चाहता हूँ कि हर इलाके में ऐसा एक एक मतलब आम तौर पर छोटी मोटी बीमारी के लिए भी लोगों को बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है। अब बड़े अस्पताल तक जाना, आना जाना, खर्चा, छुट्टी लेना, एक गरीब आदमी के लिए बड़ी दिक्कत होती है। बस में जाएगा, अस्पताल की लाइन में लगेगा, फिर जाके जो है डॉक्टर से मिलेगा, एक दिन की छुट्टी, किराया अलग। मोहल्ले पड़ोस के अंदर जब मोहल्ला क्लिनिक होती है तो आदमी ये सोचता है कि सुबह सुबह चले जाओ, शाम को चले जाओ, मुफ्त में चले जाओ, पैदल चले जाओ, इलाज भी हो जाता है, दवा भी मिल जाती है। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको अलग अलग राज्यों में अपनाया जा रहा है। हालांकि कुछ अफसरों की लगातार ये कोशिश चल रही है कि मोहल्ला क्लिनिकों को किसी तरीके से बंद करा दिया जाए, मोहल्ला क्लिनिकों को किसी तरीके से ये दिखा दिया जाए कि ये ठीक नहीं है। ऐसी कोशिशें कई अफसरों की चल रही हैं, मगर इसके बावजूद हम नए मोहल्ला क्लिनिक लोगों के लिए खोल रहे हैं। नमस्ते, आपका नाम? सुशीला आदमी। आप यहीं के जखीरा के? हाँ, यहीं के। कितने साल से रह रहे हैं? मैं तो कम से कम 30 साल से रह रही हूँ। क्या समस्याएं थी पहले मोहल्ला क्लिनिक से? पहले से तो बहुत दिक्कत होती थी, गरीबों के जुगियों में दिन कट रहा था, लेकिन ये खुलने से मेरे को बहुत खुशी मिल रही है, बहुत खुशी मिल रहे हैं। अच्छा, आप मतलब घर पे ही रहते हैं, कुछ काम काज करती हैं या घर पे बच्चों को संभालती हैं? मैं अभी काम नहीं करती हूँ, अपने एक सब्जी के दुकान है वही चलाती हूँ। तो फिर अब आपको बच्चों को संभालना, साथ में अपनी जो स्वास्थ्य सेवाएं उसके लिए दूर तक जाना? बहुत दूर तक जाती थी। हाँ, मुश्किल हो जाता होगा? बहुत मुश्किल। अभी कैसा लग रहा है मोहल्ला क्लिनिक खुल गई है? मैं इसको देख के मैं बहुत खुश हूँ। खुश है? बहुत खुश हूँ। क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप? क्या कहना चाहेंगे, धन्यवाद कहना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खुल गया, बहुत आराम मिल गया। बहुत आराम मिल गया, बहुत खुशी हुई। जिस बार हम लोग सुने थे उसी बार से हम सोच रहे हैं कि कब, लेकिन कितना बार लड़े हैं सब पता है। जब सोचते थे कि ये खुलेंगे कोई ना कोई बाधा को दे ही देता था, नहीं बनेगा। लेकिन अब को आज जो सुने ना, मैं बहुत खुश हूँ। क्या क्या बहाना मिलता था कि क्यों नहीं मिलता था कि नहीं बनेगा, जखीरा में ये सब नहीं साधन होना चाहिए। कब मिलने का वादा किया गया था कि कब तक मिल जाएगा? ये जब केजरीवाल आए थे जब बोले थे कि ये यहाँ पर हम हॉस्पिटल बनाएंगे। हाँ, जब से ये लड़ ही रहे हैं कोई ना कोई अड़चन डाल देता, नहीं बनेगा, नहीं। अच्छा, मैं जैसे आई हूँ यहाँ पे तो मैंने देखा बहुत सारी चीज़ों की कमी है, जखीरा इतना ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है। ये बहुत बड़ा है। हाँ, काफ़ी बड़ी झुग्गियाँ ये झुग्गियाँ हैं। हाँ, यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा अचानक से मिल गई है, मतलब सारी। किस तरीके का लग रहा है कि आप?
बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत सारी प्रॉब्लम हल, बहुत प्रॉब्लम हल हो गई यहाँ पे, हो गई। अच्छा, तो देखा आपने जैसे कि जाखीरा जो कि बहुत कंजेस्टेड और स्लम एरिया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधाओं की कमी है, यहाँ पर अब बहुत जल्दी ये स्वास्थ्य सेवा जो ये मोहल्ला क्लिनिक है बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा, लोगों को सुविधाएं, तमाम सुविधाएं मिलने लग जाएंगी। लोगों में बहुत हर्ष है, लेकिन थोड़ी सी हताशा भी है कि जो इनको ये सुविधा है थोड़ी लेट मिली, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, और लोगों में अब इस चीज़ की खुशी है और सरकार को वो लगातार धन्यवाद दे रहे हैं। अब इस चीज़ का लोगों पर क्या असर पड़ेगा, कितनी उनको सुविधाएँ कामयाब रहेंगी, ये वक्त बताएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।